हेलो भाषाओ, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हेल्दी होंगे, क्योंकि मोस्ट मोस्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि बंदा हेल्दी हो बस, बाकी तो पैसा वैसा आने जाने वाली चीज़ है। तो ये मेरा दूसरा वीलॉग है और इस वीलॉग में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली मैं कराची पाकिस्तान से हूँ, जैसे मैंने अपने पहले वीलॉग में आप लोगों को बताया। और मेरे जो फादर है वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान बॉर्न है, और मेरी मदर जो है वो इंडियन बॉर्न है। तो बेसिकली मैंने अपनी मदर को बुलाया था यहाँ पे, जो मैंने वीलॉग में आपको शो किया था, मेरी मदर और सिस्टर आए हुए, तो मैंने उनको दुबई विजिट के लिए बुलाया था। और प्लस मेरे मेरे प्लान में ये भी था कि मैं, मेरी मदर क्योंकि बॉम्बे बॉर्न है तो उनकी पूरी फैमिली, जो मेरा ननिहाल है, पूरा बॉम्बे में है, तो मैंने उनकी सिस्टर को बुलाया है। तो मेरी जो मदर है वो 30 ईयर्स से वहाँ बॉम्बे नहीं गई है, तो मैंने यही सोचा कि उनको, उनकी सिस्टर को, उससे उनको मिलवाया जाए। लेकिन मेरी जो मदर की जो सिस्टर है, मेरी खाला है, वो पहले आ चुकी है पाकिस्तान, तो उस बात को भी 20 ईयर्स हो गए, तो 20 ईयर्स के बाद वो लोग मिल रहे। तो आपको ये वीलॉग, जो मेरा दूसरा वीलॉग है, इसमें आपको दिखाएंगे उनकी कुछ बातें और उनकी कुछ मेमोरीज, और साथ साथ ये भी दिखाएंगे। अब हम उनको रिसीव करने जाएंगे एयरपोर्ट, तो वो भी आपके साथ शेयर करें। हेलो, हाय बादशाह, क्या हाल है सबके? तो अभी हम अभी 12 बजे, और मेरी जो खाला है जो इंडिया से आ रही है बॉम्बे से, मुंबई से, उनकी जो फ़्लाइट है वो है 12:30। सो अभी यहाँ पे 12 बजे, तो मेरे घर से एयरपोर्ट का रास्ता अराउंड 30 मिनट्स का है, तो अभी मैं निकलूँगा यहाँ से और फिर आपको इंशाल्लाह दिखाते, जो मेरी मम्मी और खाला जब मिलेंगे तो वो शॉर्ट्स भी है, मैं आपको दिखाऊंगा, और चले फिर आपको दिखाते हैं। थैंक यू। सो हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन फ़्लाइट डिले हो गई है, और फ़्लाइट डिले होने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, चाय। सो हम पी रहे हैं चाय और उसके बाद हम जाएंगे। तो गाइस, हम एयरपोर्ट आ गए। एयरपोर्ट में जैसे आपको बताया कि मास्क इम्पॉर्टेंट है, तो मास्क लगाया हुआ है, और अभी जाके देखते हैं क्योंकि फ़्लाइट लैंड हो चुकी है। तो आए चले देखते हैं कि फ़्लाइट लैंड हो गया या नहीं। फ़्लाइट नंबर इसका है SG 013, बॉम्बे से आ रही है, अराइव्ड हो गई है 12:46 पे। सो लेट्स सी, देखते हैं अभी। अभी हम स्टिल वेटिंग कर रहे हैं क्योंकि फ़्लाइट लैंड हो गई है, लेकिन अभी आई थिंक तो इमिग्रेशन और लगेज में थोड़ा टाइम और लगेगा, तो मेरी मम्मी भी वेटिंग कर रही है। मम्मी वेटिंग कर रहे हो आप? हाँ जी जी बिल्कुल, वेट कर रही हूँ और बहुत एंशियस हूँ मेरी बहन को मिलने के लिए, बस जल्दी जल्दी ये टाइम गुजर जाए और वो आ 20 साल जाए। बाद आ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आफ्टर 20 ईयर्स में उससे मुलाकात करूंगी और आप नहीं समझ सकोगे कि मेरी फीलिंग्स क्या है इस वक्त उसको देखने के लिए। वो हम आपको शो करेंगे जब आ जाएगी ना खाला, तो आपको वीडियो में शो करेंगे इंशाल्लाह। तो भाई लोग, ये मेरी खाला है, बॉम्बे से आ गई है। तो कितने साल बाद आप लोग मिल लो? 20 साल के बाद मिल रहे, कब से? तो 2002 से लेकर अब तक। अच्छा, तो बादशाह मुझे ये भी आप लोगों को तो बताना थैंक यू है सर। जी कि जो दुबई एयरपोर्ट में पार्किंग है वो 1 घंटे की बहुत ही ज़्यादा है। वैसे तो टर्मिनल 1 2 3 सब पे पार्किंग है, पेड पार्किंग, यहाँ पे आप पार्किंग पे कर सकते हो मशीन से, और यहाँ पे कैश और कार्ड दोनों का ऑप्शन होता है, तो आप दोनों से पे कर सकते हो। और जो पार्किंग है दुबई एयरपोर्ट की, वो 15 मिनट, स्टार्टिंग 15 मिनट्स की जो पार्किंग है वो 20 दरम है, और उसके बाद 1 घंटे की 40 दरम है। हेलो बादशाह, क्या हाल है आपके?
तो फाइनली अभी हम घर पहुंच गए लेट नाइट की। मेरी खाला की फ़्लाइट थी और फ़्लाइट डिले भी थी, तो काफ़ी थक गए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो गए थे क्योंकि वेटिंग भी थी। और फिर मेरी खाला बाहर आते आते बोर्डिंग के बाद थोड़ा टाइम भी लग गया, तो लेकिन एट द एंड सब चीज़ें वर्थ इट है क्योंकि मेरी मम्मी और मेरी खाला 20 ईयर्स के बाद मिल रहे थे, तो हम लोग बहुत खुश थे। और आप लोगों को एक्सप्रेशन से पता चल ही गया होगा, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद भी आएगी। और प्लस मैं आपको कुछ थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ क्योंकि गिफ्ट्स कुछ एक्सचेंज हुए थे, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा दिखा दूँ क्या क्या गिफ्ट्स आए हैं पाकिस्तान से और इंडिया से, दोनों बहनों ने एक दूसरे को दिए। तो लेट्स सी, मैं आपको ये है लखनवी सूट जो इंडिया के काफ़ी फेमस है, और कुछ ज्वेलरीज है, बैंगल्स वगैरह, और मेरे लिए और मेरे फादर के लिए शालीमार की कुर्तियां हैं जो कि बहुत फेमस है वहाँ पे। और मेरी मामा ने मेरी खाला को जो दिया है वो तनासा पीनास का सूट है, प्लस इंडिया में बहुत पसंद किए जाते हैं ये गोगो पान मसाला और तुलसी, तो वो दिया है। और शान के मसाले तो वर्ल्ड फेमस है सब जगह, तो ये मेरी खाला के लिए लिया। और वर्ल्ड फेमस शाही डिलक्स जो कि माउथ फ्रेशनर है, बहुत पसंद किया जाता है वहाँ पे इंडिया में, तो ये सब चीज़ें मेरी खाला ने दी है, मेरी मेरी मामी ने मेरी खाला को दी है। इसी के साथ ये वीडियो एंड करेंगे, और आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी है, और बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल का आइकन नीचे है, आप बेल क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि आगे मैं बहुत सारी वीडियोस डालूँगा जो कि इंफॉर्मेटिव भी होगी, दुबई से रिलेटेड होगी, तो इंशाल्लाह पूरा पूरा अपडेट रखेंगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में आप लोगों के साथ, आप लोगों के प्यार के साथ। और बस मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हेल्दी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।